बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और किसी वजह से मैं दो दिन से आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी, इंशाल्लाह अब कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जा रहे हैं पिकनिक और उसकी तैयारी चल रही है। फ्रेंड्स, हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं पिकनिक के लिए निकलने के लिए। ये हमारा पूरा इंतज़ाम रखा है, पानी के लिए वाटर कूलर रख लिया है और सब लोग अंदर हैं। तो बस सब लोग देखिए, गाड़ी भी आ गई है और बस इसी गाड़ी से सारा सामान लेके जाएंगे। थोड़े थोड़े करके हम लोग जाएंगे, जितने गाड़ी में आएंगे। तो गाइस, हम लोग घूमने जा रहे हैं, आइए हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ। असला किसके बैठना? किसको बैठना है? अभी बोलो साहिबा, बोलो साहिबा। तो फ्रेंड्स, साहिबा को यहाँ पे डर लग रहा था, साहिबा उतर गई है और वही वीडियो शूट कर रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे वीडियो शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो साहिबा हम लोग की वीडियो शूट कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये हमारा रिक्शा फंस गया है, इतने भारी भारी लोग बैठे हैं। ओए हमजा, सीधे सीधे कल थोड़ी थोड़ी सुन। फ्रेंड्स, हम लोग उसी जगह पे आ गए हैं और यार देखिए ट्यूबवेल चल रहा है और यहाँ पानी का भी इंतज़ाम है। आज पानी खेतों में लग रहा है और सभी लोग हम लोग आ गए हैं और बाकी के लोग आ रहे हैं। तीन से चार बार में सब लोग आ पाएंगे क्योंकि ई रिक्शे में कम लोग आते हैं, माशाल्लाह से हम लोग ज़्यादा हैं। और अब देखिए थोड़ी थोड़ी सी पेड़ निकल आए हैं और ये क्या है, गेहूँ शायद लगा हुआ है। हाँ, गेहूँ लगा हुआ है। बहुत अच्छा व्यू है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमजा और अजान ये लोग भी हैं तो आज और भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे सब लोग। हम लोग यहाँ खाना बनाएंगे और यहाँ पे जब चूल्हा आके आ जाएगा तो चूल्हे के सामने बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये वही डॉग है, ये देखिए, जिसको हम लोगों ने खाना खिलाया था, आज ये फिर आ गया है तो हम लोग इसे फिर आज खाना खिलाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ ये देखिए चूल्हा रखा है और यहाँ से चूल्हा उठाएंगे हम लोग। हाँ धीरे, हाँ ऐसे ले, चलो वही रखो, चलते धीरे से रखो, हाँ बस ठीक। अभी रुझे लकड़ी वकड़ी का इंतजाम कर ले, फिर इसके बाद ये झाड़ू 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 ये ले लो, ले चलो धीरे 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 धीरे। सोचना ने लगाई है झाड़ू धीरे से, मिट्टी जो है मिट्टी खुद रही, निकाल दोगे ना तो कुछ
मिट्टी नहीं लगाओ, बस निकाल लो, कूड़ा कूड़ा साइड में कर दो। चटाई बिछा दो, सारा सामान निकाल के भगोने का चटाई में लगाएं। देखिए कैसे बच्चे कूड़ा बीन बीन के लेके आ रहे हैं बेचारे जलाने के लिए। मारी उधर लकड़ी लेके आ रही जलाने के लिए, जलाएगा तो ये। मारिया गीली नहीं लगाई जाती है, गीली नहीं जलती है, सूखी लकड़ियाँ जलती हैं। तो ये सारा सामान निकाल के चटाई पे रखो। तुम दिखोगे, ये देखिए शेखू आया। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, मैंने काटी हैं लकड़ियाँ कुल्हाड़ी से, और ये देखिए कट गई है। सब लोग कह रहे थे नहीं काट पाओगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी काट ली है। बाकी लारैब भी काट रहा है, और जितनी हो सकती है सब लोग काट रहे हैं थोड़ी। यहाँ से लगा लो, अच्छी साफ मिट्टी तो है। तो साहिबा लगा रही है लेवा आज। अरे गीली करो, सूखी बहुत है ये गीला। पानी लो, पानी यहाँ से। तो आप देख सकते हैं साहिबा को कितने अच्छे से लेवा लगा रही है, खोद खोद के मिट्टी। मोटा मोटा लगाना, पहले उल्टा करके नीचे लगा लो, फिर उधर लगाओ। जीजू को लग रहा है पूरी जानकारी है, जब जीजू ने लगाया था। और भैया पापा भी शुरू हो गए देखिए काटने के लिए लकड़ी। ये देख सकते हैं आप कितनी मेहनत से काट रहे हैं वो भी। सब लोगों ने लकड़ी पे हाथ साफ कर लिए। अब इधर हम चला रहे हैं चूल्हा। आग तो लगाओ, वो लाइटर लाओ जरा। अजान लाइटर, इतने सारे लाइटर लिए घूम रहे हो बे? अरे पापा ये वाला तो खराब है। बेटा बेटा हमसे दूर, वो भाई इतनी जलना है। अरे जल रहा है, जल रहा है, गैस गैस वाला है, जल गईगा। अरे इधर पीछे गरम का हो रहा है, हाई फ्लेम है या नहीं है? तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल के बाद आग जल गई फाइनली। हम बहुत मुश्किल से जल रही है, और लाइटर वाइटर से बहुत आसानी से नहीं जलती है, और कुछ ऐसा था भी नहीं जो हम लोग जलाते पिछली बार। तो इन लोगों के नकली नोट थे तो उसे जला लिए। इधर पापा लकड़ी काफ़ी हद तक कट गई है, थोड़ी सी रह गई है तो पापा और काट ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल में आग जली और फिर बुझ गई है, तो फिर मैं इसे जला रही हूँ। और मैंने गीला ही इसके ऊपर पतीला रख दिया है पकने के लिए। इधर अमरूद खाए जा रहे हैं हमजा का, देख सकते हैं आप मुँह कैसे अमरूद में नमक लगा था, और अमरूद का नमक कैसे खा रहे हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ मस्ती करने आए हैं, और सबसे पहले हम लोग यहाँ गोवा खा रहे हैं। अभी हमारी आधी टीम अभी आई नहीं है, आग हमारी जल गई आप देख सकते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। क्या हुआ, किसको चिल्ला रहे हो, किसको चिल्ला रहे हमजा? थैंक यू। हाँ बोल, क्या कर रहा है? तो सबसे पहले हमें पतीले में तेल डालेंगे। तो तेल हमने सरसों का लिया है, तो सबसे पहले वो ऐड कर देंगे। मुर्गा में क्या 1.5 किलो तेल डालूंगी क्या? आज खूब भकभका के तेज करो, शुरू में तो तेज है सारा, देखो तेज है। देखिए पीछे तो टैंक कितनी रखी, बस ये करा तो फ्रेंड्स तेल बहुत अच्छे से जब गर्म हो गया तो इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, और यह है प्याज। तो प्याज हमें ऐड कर देना है, ये देखिए। ये देखिए गाइस, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ये गई तो आज सारे गेहूं खा गए। तो फ्रेंड्स देखिए प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम प्याज को निकाल लेंगे, और अब इसमें चिकन को ऐड कर देंगे, देख सकते हैं। तो चिकन को फ्रेंड्स हम लोग घर से वॉश करके लेके आए थे, यहाँ एक पानी से और वॉश कर लिया। अजान क्या मिट्टी में चले गए थे हैं? अजान मिट्टी में चला गया था, ये देखिए दलदल में चला गया था, दलदल में। वो स्लीपर देखिए अम्मा इनकी धो रही हैं। सॉक्स उतार के रख दो, खाली वो पहनो। फ्रेंड्स सैमा भी आ गई है आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारी हमारी पिकनिक की रौनक।
आते देर नहीं और खेलना शुरू। तो फ्रेंड्स, चिकन को हमने अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया है। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके साथ इसको भूनेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें डालेंगे प्याज और खसखस का पेस्ट। तो ये प्याज और जिसे पॉपी सीड बोलते हैं ना, वही खसखस है ये, तो वो उसका पेस्ट हमने बना लिया। ये ऐड करते हैं प्याज और जिंजर गार्लिक, नहीं जिंजर गार्लिक का पेस्ट पड़ गया है, प्याज का पेस्ट पड़ गया है और खसखस का पेस्ट, इन तीनों चीज़ों का पेस्ट हो गया। और फ्रेंड्स, इसमें डाल दिया लाल मिर्च और धनिया पाउडर और नमक, तीन चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। हल्दी हमने इसमें ऐड नहीं करी है। अब लोगों की तादाद बढ़ रही है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। अन्नू भी आ गया है, भागीदारी हो गया है। और इधर जो हमने प्याज को फ्राई करके निकाला था, वो साहबा हाथों से क्रश करी, क्रश करके डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, तो इसमें डाल देंगे साबुत लहसुन और अब पानी और डालना चाहिए। और डाल दीजिए। तो गाइस, खाना भी बनता जा रहा है और यहाँ हम लोग मस्ती भी करते जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, हम वहीं पर आए हैं। देखिए, हमजा खेल रहा है, हम उसके पास जा रहे हैं। ये क्या कर रहा है मेरा बेटा? तुम्हारा नहीं का कलू बेटा, आपका का कली है, आपका ये तुम्हारा मट्टी है। अच्छा, हमारा मट्टी है। मेरा ये मेरा बदल है और मैं फेंकू। अरे वाह, अरे वाह, अल्लाह। ओके, ये लीजिए, माने भी फेंक दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हम वापस आ गए हैं। हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो रहा है और चिकन के लिए चाहिए फ्रेश हरा धनिया। तो अब सब लोग जाएंगे हरा धनिया लेने के लिए, और जहाँ जाएंगे हम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिपि बहुत आगे चली गई है और ये भागती जा रही है। देखिए, रुक भी नहीं और शाहबाप्पी, शाहबाप्पी लोग हुआ वहाँ पे खड़े हैं, अनिमी शाहबाप्पी, और ये अभी आगे चल रहे हैं हम लोग। तो बहुत कस के शायद आपको दिख नहीं रहा हो सही। तो ये रही हमारी शाहबाप्पी, हम लोग जा रहे हैं शायद से धनिया लेते हैं। तो चलते देखते धनिया लेते हम लोग। ये रही यशना और मारिया खड़ी है, वो शायद आपकी आवाज दे रही है। देखिए, आइए आइए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें हरा धनिया फाइनली मिल गया है। हम यहाँ से फ्रेश हरा धनिया ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जब हम फ्रेश हरा धनिया किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं। तो हम यहाँ से हरा धनिया लेंगे। तो यहाँ पे शायद आप हमसे बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। बनाते चलो, हम भी। तो गाइज, यहाँ से धनिया लेंगे और जाएंगे। और यहाँ की जितनी वीडियो बनाई है वो सब मेरे मामू की बेटी लारेब ने बनाई है, वो भी बहुत ही ज्यादा फनी है, बहुत ही ज्यादा नॉटी है। तो हमारे साथ है, आज मैं उससे भी मिला देती हूँ। और आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, तो ये है वो। तो गाइज, हम लोग हरा धनिया लेके आ गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे बढ़िया से चिकन कोरमे को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। ये हमारी खाला सैलड बना के घर से लेके आई है, मटर पुलाव है, बहुत अच्छा खाना लगेगा, मज़ेदार लगेगा और बहुत ज़्यादा हम इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।